और अब देश की राजधानी में जल संकट की। देश की राजधानी दिल्ली जो लगातार जल संकट से जूझ रही है, बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही है, लेकिन अफसोस की बात है कि नेता सियासत में मस्त हैं। आप दिल्ली सरकार को ही देख लीजिए, वो सत्याग्रह पर बैठ गई है पानी देने की बजाय। लेकिन इस पर बीजेपी कैसे ले रही है चुटकी, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। जनता पानी के लिए तरस रही है, लेकिन जनता की जरूरत का पानी दिल्ली और हरियाणा सरकार की सियासत के बीच में अटका हुआ है। दिल्ली सरकार हरियाणा पर उनके हिस्से का पानी नहीं छोड़ने का आरोप लगाकर धरने पर बैठ गई है। जल मंत्री आतिशी सिंह ने इस अनशन को सत्याग्रह नाम दे दिया। इस अनशन में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी बैठी हुई है। आपका आरोप है कि उनके सत्याग्रह के बाद हरियाणा ने उनके हिस्से का पानी और कम कर दिया, जिससे बीजेपी सरकार की मानसिकता जाहिर होती है। जहां से दिल्ली के लिए पानी छोड़ा जाता है, वहां पे सबने फोटो ली, वीडियो दिखाई, और उसमें साफ साफ दिख रहा है कि हथनी कुंड बराज में पानी है, उसमें पानी भरा हुआ है, लेकिन जिन गेट से दिल्ली के लिए पानी छोड़ा जाता है, उस गेट को बंद किया गया है। जब आतिशी अनशन पे बैठी थी, तब हरियाणा 100 MGD कम पानी दे रहा था, 613 MGD की जगह 513 MGD दे रहा था, मगर जब से वो अनशन पे बैठी है, 17 MGD और कम हो गया है, यानी कि अब 117 MGD पानी जो है वो कम आ रहा है। हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी सरकार जानबूझ के दिल्ली के लोगों के खिलाफ एक षड्यंत्र कर रही है। दिल्ली सरकार के सत्याग्रह पर बीजेपी नेताओं ने एक एक करके चुटकी ली। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि आतिशी सिंह जनता को मुद्दों से भटकाने के लिए ड्रामा कर रही हैं। आईएमजी ने मार्च में ही दिल्ली सरकार को हीटवेव को लेकर आगाह किया था, लेकिन आतिशी ने समय रहते इसका समाधान नहीं निकाला। जब जनता पानी के लिए तरस रही है, तो वो अपनी नाकामियों का ठीकरा हरियाणा सरकार पर फोड़कर सत्याग्रह की नौटंकी कर रही है। बीजेपी का दावा है कि हरियाणा सरकार ने जरूरत से ज्यादा पानी छोड़ा है, लेकिन दिल्ली सरकार मिसमैनेजमेंट की वजह से उस पानी को जनता के बीच सही से डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रही। एक राजनीतिक नौटंकी है जो आम आदमी पार्टी कर रही है। इस संकट के समय इनको चाहिए था उपाय ढूंढना, इनको चाहिए था वजीराबाद गैराज की नालों की सफाई कराना, गाद निकालना, इनको चाहिए था जहाँ जहाँ लीकेज हो रही है उसको ठीक करवाना। जितने लीकेज पॉइंट मीडिया में आए हैं, आज भी वो वैसे के वैसे चल रहे हैं। मतलब स्थिति को सुधारने की बजाय अपनी असफलता को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के लोग। अपनी चोरी कालाबाजारी को ढकने का एक प्रयास, असफल प्रयास है, और इस नौटंकी से कुछ हासिल होगा मुझे नहीं लगता। जिसे आप धरना कह रहे हैं, मैं इसे नौटंकी कह रहा हूँ। अनशन की पवित्रता को भी इन्होंने दूषित किया है। आतिशी के सत्याग्रह पर बीजेपी और आप के बीच चल रहे जुबानी जंग में कांग्रेस कूद पड़ी। कांग्रेस की प्रवक्ता ने ट्वीट करके दिल्ली सरकार को लताड़ लगाई। कुछ दिनों पहले कांग्रेस की तरफ से जल संकट के खिलाफ मटका फोड़ प्रदर्शन किया गया, यानी अब आप और कांग्रेस भी आमने सामने खड़े नजर आ रहे हैं। दिल्ली में जल संकट पहली बार नहीं हुआ, हर बार गर्मी के मौसम में यहाँ पानी की परेशानी खड़ी हो जाती है। बावजूद इसके अभी तक पानी की कमी का कोई परमानेंट समाधान नहीं निकाला गया। हर साल पानी की समस्या पर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाता है। इस बार तो दिल्ली सरकार ने सत्याग्रह पर बैठकर सारी हदें पार कर दी। अब सवाल ये है कि दिल्ली में पानी की समस्या पर स्थायी समाधान कब निकाला जाएगा? सरकारें आपसी झगड़े से ऊपर उठकर जनहित के बारे में कब सोचेंगी? क्या दिल्ली सरकार के सत्याग्रह से पानी की समस्या खत्म हो जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात मध्य प्रदेश के इंदौर की। मध्य प्रदेश के इंदौर में बीजेपी के नेता मोनू कल्याणी की हत्या के बाद जमकर बवाल हुआ। दरअसल मोनू कल्याणी के जो समर्थक हैं, वो आरोपियों के घर पर पहुंच गए, जमकर पथराव किया, आगजनी को भी अंजाम दिया। उसके बाद क्या हुआ, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में आपसी रंजिश बीजेपी नेता मोनू कल्याणी की हत्या की वजह बन गई। वारदात जेल रोड स्थित चिमन बाग चौराहे पर हुई, जब मोनू कल्याणे भगवा बाइक रैली के लिए होर्डिंग पोस्टर लगवा रहे थे। इसी दौरान पीयूष और अर्जुन नाम के दो बाइक सवार बदमाशों ने मोनू पर कई राउंड फायरिंग कर मौत के घाट उतार दिया। मोनू की हत्या जिन बदमाशों ने की, वो उनके घर के आसपास ही रहते हैं।
इंदौर विधानसभा की राजनीति में दखल रखने वाले मोनू कल्याणी की गिनती कैलाश विजयवर्गीय के बेटे पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय के खास लोगों में होती है। मोनू कल्याणी बीजेपी युवा मोर्चा के नगर उपाध्यक्ष थे। कल्याणी ने कैलाश विजयवर्गीय और विधायक गोलू शुक्ला के लिए चुनावों में काम भी किया। मोनू हर साल भगवा यात्रा निकालते थे, इस बार भी ये यात्रा निकालने की तैयारी कर रहे थे। वारदात के बाद कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का भी बयान आया। विजयवर्गीय ने कहा कि मोनू ने एक दिन पहले ही मुझे यात्रा का निमंत्रण दिया था। पुलिस प्रशासन को निर्देशित किया है कि मामले में आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। तो वो बहुत ही निंदनीय है। अभी पुलिस से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि शायद उनके मोहल्ले के कोई व्यक्ति हैं जिनको वो ढूंढ रहे हों। अभी मैं उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, पर हमारा बहुत ही आत्मीय कार्यकर्ता था और आज तो उसने भगवा यात्रा निकालता हर साल। वो कल ही मुझे निमंत्रण देने आया था। वो बहुत दमदार कार्यकर्ता था और वाल्मीकि समाज में बहुत